हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। माय नेम इज गौरव, यू आर वाचिंग ट्रेडर सर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक नई सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूं, मैं वीडियोस शायद ना लेके आऊं या कम लेके आऊं। ठीक है, उसके पीछे रीजन था कि मैं काफी लंबे समय से एक ही रूटीन फॉलो कर रहा था, थोड़ा सा एग्जॉस्ट मैं हो चुका था, है ना। सेम रूटीन फॉलो करो और करते रहो, फिर रिवॉर्ड भी उस हिसाब से ना मिले तो मेरा मन थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब वीडियोस तो मैं खैर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, जो मैं ट्रेडिंग वगैरह की बनाता था। पर लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतने ज़्यादा मैसेज करे, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने ज़्यादा आप लोगों ने मैसेज करे कि भाई ऐसा मत करो, वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज आ गए कि भाई डालते रहो, तुम हर दिन डालो, एक दिन छोड़ के मत डालो, पर डालो वीडियोस, हमें देखनी है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, दिल से आप सभी को थैंक यू जिन्होंने मुझे मैसेज किया। बहुत अच्छा लगा सुन के कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको सीखना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है, सिर्फ भेड़ चाल में नहीं चलना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार फिर दो चार लोगों के पीछे, इन लोगों के साथ जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अत्याचार हो जाएगा कि इनकी वजह से वीडियो ना लाऊं, ये लोग ना देखें। ठीक है, तो वैसे ट्रेडिंग की वीडियो तो मैं नहीं लाऊंगा, मैं उससे भी एक स्टेप ऊपर थोड़ा अच्छा कॉन्टेंट लेके आने वाला हूँ। ठीक है, वो क्या है, मैं स्टार्ट करूँगा $50 to $5,000 की सीरीज। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा अभी, कल से शायद वीडियो आने लग जाएगी, $50 से $5,000 कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं $50 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा। ठीक है, अकाउंट में $50 डालने के बाद मैं डे बाय डे आपको दिखाऊंगा कि डे वन में हमने क्या किया, डे टू में क्या किया, ऐसे मैं सारे डेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको दिखे कि हमारा क्या पर डे के हिसाब से स्टॉप लॉस रहता है, कैसे हमारा मनी मैनेजमेंट है, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, कैसे मैं अपना टारगेट लेता हूँ, क्या स्टॉप लॉस लेता हूँ, ताकि आपको डे बाय डे पता चले क्या स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखें कि मैं किस तरीके से अपना अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, ऐसी सीरीज शायद मैं हूँ जो लेके आ रहा हूँ पहली बार, और डे बाय डे दिखाऊंगा, $50 से $5,000 बना के दिखाएंगे, उसमें जितना टाइम लगे, एक महीना, दो महीना, ठीक है, इतना तो लग, एक महीना तो लगता है मिनिमम। तो मैं आपको हर दिन की वीडियो दिखाऊंगा, ओके, और उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर पता चलेगा आपको। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे क्या क्या सीन करना है हमने। ठीक है, तो इससे पहले मैं अपनी लाइव ट्रेडिंग के डालता था कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड करा मैंने और ऐसे ऐसे ट्रेड लिए, यही ट्रेड लिए, तो काफ़ी बंदों की ये दिक्कत थी कि भाई तुम्हारा तो बहुत बड़ा बैलेंस रहता है, तुम अच्छे बैलेंस से ट्रेड करते हो, तो तुम ट्रेड कर लेते हो, मार्जिन कर ले पाते हो, और हम पे इतना बैलेंस नहीं है, हमें रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आता, मनी मैनेजमेंट समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं $50 से स्टार्ट करूँगा, 50 ही की चूज़ किया, मैं 100 भी कर सकता था, 500 भी कर सकता था, क्योंकि $50 एक ऐसा अमाउंट है जो मोस्ट ऑफ द जितने भी आप लोग को अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, $50 आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, जितने भी आप लोग हैं, और मिल जाएंगे आपको, तो एक एवरेज अमाउंट है वो। तो $50 से मैं करूँगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि $50 से भी चीज़ें हो सकती है, पर लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, 50 से ट्रेड करेंगे और उसके बाद 5,000 बनाएंगे डे बाय डे। ठीक है, टारगेट हो रहा है, आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, टारगेट मैंने लिया, मैंने स्टॉप लॉस लिया, मैं रुका, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, कभी मान लो $50 से मैंने 250 पहुंचा दिए, फिर मैं 150 पे आ गया, किसी दिन इमोशनल कंट्रोल नहीं हुआ, 70 पे आ गए, फिर वापस 5,000 ले गए, 5,000 बनाएंगे उसको। ठीक है, और एक बार ये 5,000 बन जाएंगे तो शायद मैं अपने VIP ग्रुप में भी स्टार्ट करूंगा, क्या करना, सीरीज चलाना 50 to 5,000 की सीरीज। पहले एक बार मैं वीडियोस में खत्म कर दूंगा, आपको दिखा दूं, जब आपको भरोसा आ जाएगा तो आप मेरी सीरीज में ऐड हो जाना, क्योंकि डायरेक्ट बोल के फायदा नहीं है, जब मैं बना दूंगा आप लोग मेरी सीरीज में आ जाना। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने का। ठीक है, तभी मोटिवेशन मिलता है, रियल रीजन ये है, इसलिए बंदा बनाता नहीं है वीडियोस। ठीक है, वरना हमें कोई कमी नहीं है, हम घर में बैठे रहेंगे, कोई हमें जानेगा भी नहीं, कोई कमी नहीं है, पर ये है कि हम चाहते हैं कि जब यूट्यूब पे आए हैं तो लोग जाने, हमारा चैनल अच्छा खासा ग्रो करे, नाम हो, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और आपको मेरे फ्री ग्रुप में आना है, मेरे फ्री सिग्नल चाहिए, जो कि हर दिन हम प्रॉफिटेबल निकालते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन हम कैपिटल डबल कर देते हैं। तो फ्री ग्रुप में आना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट करके मुझे मैसेज करना। ठीक है, और मेरे पेड ग्रुप में मुझसे सीखना चाहते हो तो पर्सनली मैसेज करना, वहाँ पे हम आपको मंडे टू फ्राइडे आपको हम सिग्नल देते हैं, वहाँ पे सैटरडे संडे क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस, लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाते हैं, और लाइव मार्केट में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो बहुत सारे बंदे मेरे साथ वहाँ पे भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो फ्री ग्रुप में आने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करना, पेड में आने के लिए पर्सनली मैसेज करना। ठीक है, तो अब सीरियस देखो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि सीन ये है कि मैं पिछले बहुत सारे टाइम से 2.5 साल हो गए मुझे, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ठीक है, कहीं जाता भी हूँ तो मतलब मुझे याद है मैं एक बार तुंगनाथ गया था, तो तुंगनाथ में नेटवर्क नहीं आते, नेटवर्क आते हैं
11 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद, सॉरी 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, फिर बाकी नीचे उतरने की है, 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। वहाँ चढ़ने के बाद नेटवर्क आता पहाड़ की चोटी में। तो मैं सुबह सुबह निकल गया ट्रैकिंग करने, सब पीछे छोड़ गया, मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा था उस समय, थक थक के मैं गया भयंकर। और पहाड़ में चढ़ के मैंने वीडियो अपलोड करी, और बहुत स्लो स्लो हुई, 250-300 MB की, बहुत लो क्वालिटी में अपलोड करी थी, ठंड भी हो रही थी। एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली अपने इससे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार लोग देखें, लोग जब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, जब लोग मुझे देखेंगे कि भाई ये कंसिस्टेंट है, तो हम भी कंसिस्टेंटली इसके साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे और कुछ बनेंगे। पर लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा कि यार ये हमें इंडिकेटर नहीं बताता, ये हमें कोई फ्री की स्ट्रेटजी नहीं देता, मैं कुछ ऐसे भांग ढगोसले नहीं करता, तो मतलब कि यार अब हम किसी और को देखेंगे, ये करेंगे। और एट द एंड होता क्या है, ये लोग कहीं और जाते हैं, नुकसान करते हैं, फिर मेरे पास आके मुझे बताते हैं या मेरे साथ स्कैम हो गया या मेरा लॉस हो गया। मैं फिर भी रख लेता हूँ, पता है, क्योंकि मैं, मुझे पता है कि देखो तुम लोग मन होगा तुम्हारा कभी नहीं होगा, तुम यहाँ वहाँ जाओगे एंड में मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि मैंने घाट घाट का पानी पीना जिसे कहते हैं वो किया है। तो माइंडली माइंड एग्जॉस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, रोज मैं अपनी ट्रेडिंग दिखाता हूँ, आप लोगों ने काफ़ी कुछ ट्रेडिंग देखी, आप लोग सीख भी गए, तो आप कुछ नए दिखाएंगे, ठीक है, और 50 से 5000 बनाएंगे। मैं भी बहुत टाइम बाद एक छोटे अमाउंट से बड़ा बनाऊंगा, 50 से 5000 बनाना कोई आम बात तो है नहीं, छोटी बात तो है नहीं। तो कोशिश ये रहेगी कि सक्सेसफुल हो, वैसे हो तो जाएगी, 1-2 महीने लग सकते हैं, पर परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, डेली का 5%, डेली का 3% आपको दिखाएंगे। इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी दिखेगी, कंपाउंडिंग की पावर क्या है। लोग सोचते हैं कि यार $50 मेरा कैपिटल है, उस पर अगर मैंने कमा दिया आपके दिन के $5, तो यार मैंने क्या ही कमाया। लोग सोचते हैं कि दिन में डबल करो, पर नहीं, आप कंपाउंडिंग मत भूलो। मुझे पता है सबने कंपाउंडिंग के बारे में सुना है, वीडियोज़ देखी हैं, पर आप फील करोगे जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैपिटल कैसे बढ़ता है, तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई। मैंने 5000 रुपये से 1,00,000 रुपये बना रखे एक महीने के अंदर, जब मैं सीखता था, वो भी कंपाउंडिंग के साथ, वो भी अपने मन को बहुत कंट्रोल करके। तो सारे इमोशंस वगैरह दिखेंगे, फेस कैम करेंगे, सब करेंगे, आप लोग सब देखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, थोड़ा टाइम मुझे दो, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी विस्तार में लेके आऊँगा, अभी थोड़ा समय लग नहीं पा रहा है यार, क्योंकि काफ़ी बिजी हूँ मैं, बता नहीं सकता कहाँ हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा रहता है शेड्यूल ख़राब, और ऐसा रहता है कि साला सुबह घर से निकलते हैं और ना रात को घर आते हैं, कभी कभी सिग्नल 9 की बजाय 10 बजे देने पड़ते हैं मेरे को, क्योंकि ना बहुत थकान हो जाती है भाई साहब, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो थकान, ज़्यादा थकान हो जाती है ओवर, ठीक है, ऐसा रहता है सिस्टम। तो क्या ही बात करें इस बारे में, तो पहले सोच रहा था ना बोलो, मैं तो आराम से बैठा हुआ था, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने कोई नहीं, अब वीडियो बनानी नहीं है, मज़े करेंगे, टाइम ही टाइम है अपने पास। तो फिर एक बंदे का और वो ऑडियो मैसेज आया, उसने बोला भाई इमरजेंसी है, मुझे लगा कोई होगी, फिर मैंने पढ़ा, वो अंतर वो कह रहा था भाई मत करो मत करो, वो कर लो प्लीज़ रोज़ डालो, तो हम तो कह रहे रोज़ डालो, पर 2 दिन में 1 बार डालो, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे थोड़ा सा वो फील हुआ, ठीक है, तो मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और ध्यान रखना, सपोर्ट करना, ओके गाइस, तो दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन है कमेंट करना, और ग्रुप से आने का आपको प्रोसेस पता ही है, ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।